गाइस वेलकम बैक। सो आज मैं जा रहा हूँ सुनील आर्ट्स, जो हर साल की तरह जिसके पास मैं अपनी गणपति बुक करता हूँ और गणपति आपको दिखाता हूँ कि उनके पास कौन सी गणपति बप्पा आए हैं और कौन से अलग अलग रूप में उन्होंने ये टाइम बनाया है। सो आओ चलते हैं, वहाँ पे आपको POP की और मिट्टी की मूर्ति ज़रूर मिलेगी और मैंने गणपति भी शायद वहाँ पर आ चुकी है, तो मुझे वो भी देखनी है किस तरह से उसे बनाया गया और क्या तरह सजाया गया है। आई विल मेक श्योर कि जो मुझे चाहिए कि वो उस मूर्ति पे हो और वो ज़रूर हो। सो आप लोग मुझे बताना कि मेरी मूर्ति कौन सी होगी कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ पप्पा को लेके आपके पास दर्शन कराने। और मेरे डेकोरेशन का फर्स्ट लुक बहुत जल्दी आने वाला है, मेरे गणपति बप्पा का आगमन भी बहुत जल्दी आने वाला है, उनका मुख दर्शन भी बहुत जल्दी आने वाला है, उनका विसर्जन भी आने वाला है। सो यार ये 4-5 व्लॉग लगातार आने वाले हैं और ये टाइम तो मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पर, तो होपफुली मैं आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें और नई नई गणपति बप्पा की दर्शन करवा दूँगा होपफुली, चले क्योंकि हर साल की तरह आप चलते हो मेरे साथ सुनील आर्ट्स में गणपति बप्पा की बुकिंग करने के लिए और गणपति बप्पा के दर्शन करने। Let's go. What you waiting for? चैनल को सब्सक्राइब, फ्री का बटन है, बेल आइकन दबा देना। चलो Alright, so we are all set to drive to सुनील आर्ट्स। फाइनली आपको मैंने सारी अपडेट्स मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। और ये टाइम मैंने गलती ना करते हुए मैंने माइक भी ले लिया है ब्लूटूथ वाला, और मैंने एक्चुअल मेरा माइक लगाया है जो मैं नॉर्मली मेरे हर व्लॉग में यूज़ करता हूँ, सो दैट कि आपको आवाज़ क्लियर और क्रिस्प नज़र आए और मेरा ये टाइम कोई भी शूट वॉइस ओवर में ना जाए। सो गलती को पुराने पिछले व्लॉग में गलती को देखते हुए इस व्लॉग में गलती ना हो, इसलिए माइक का सेटअप लगा दिया है वापस। सो आओ चलते हैं, लेट्स गो। सो एज वी ऑल नो कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर है एल्विश भाई। सो मैं एक छोटा सा व्लॉगर हूँ, एल्विश भाई को विश करना चाहता हूँ उनके विनर के लिए, है ना। लाइक यार बिना किसी चीज़ों के, लाइक जो हम डेली यूज़ करते हैं, गाड़ी हो गया, व्लॉगिंग हो गई, जैसे व्लॉगिंग बहुत करते हैं, मैंने जब उनका चैनल देखा था जब उन्होंने पॉश ली थी येलो कलर की, तब से मैंने व्लॉग देखना शुरू किया। और मैं बस सच बता रहा हूँ, मेरे को फिर उससे पहले मैं कटारिया भाई का व्लॉग देखता था, बट तभी मेरे को मालूम पड़ा कि एल्विश भाई भी व्लॉग बनाते, तब मैंने उनका व्लॉग देखना शुरू किया जब उन्होंने येलो कलर की ली थी गाड़ी, तब मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। आई विल टेल यू, दिल से इतने साफ़ हैं वो, इतने साफ़ हैं। पर्सनली तो कभी पता नहीं, जब हमारे मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तब उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो होपफुली फिंगर क्रॉस्ड, हर चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो एल्विश भाई से कभी ना कभी तो हम ज़रूर मिलेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री पे, विनर करके आना, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट हिस्ट्री इन इतने सालों में कभी नहीं हुआ है जो ये टाइम हुआ है। बारिश का भी बहुत तगड़ा मौसम बना पड़ा है यार, मैं आप लोग को दिखा दूंगा थोड़ी देर में, बारिश का बहुत तगड़ा मौसम बना पड़ा है। और मुंबई में बारिश और ट्रैफिक कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, नाउ वी आर यूज टू। तो बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, मैं अभी सिग्नल पर हूँ टूवर्ड्स मुलुंड, और ये पूरा बारिश का तामझाम चालू है। बट मेरे को जो भी वाइपर मिला बहुत सही मिला है, मैंने एक जगह से लगाया था, मेरे को एक कंपनी थी बॉश का, मेरे को नहीं पसंद आया, टूट गया और मेरे पूरी यहाँ पे निशान पड़ गए थे। माई लव ब्यूटीफुल कार टाटा, आई लव टाटा। मेरी पहले डिसाइड किया था कि गाड़ी लूँगा तो टाटा लूँगा, मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी बट फाइनली मैंने टाटा ही पसंद की, बिकॉज वो मेरे बहुत करीब हो गई है अब, इसको 7 ईयर्स हो चुके हैं। कि मेरे को जब कहीं जाना होता है तो मुझे समझ में आता कि यार मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा, क्या करूँगा, तो इसलिए मैं बहुत कहीं भी निकलता हूँ ना तो मैं बहुत सोच समझ के निकलता हूँ, और मेरा कुछ फिक्स नहीं होता है। नाउ डेज आई एम वेरी मूडी, और मूडी हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, खाने के मामले में भी, बाहर निकलने के मामले में, और मेरा भी आजकल बाहर निकलने का ज़्यादा मन ही नहीं करता है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि अभी आगे क्या करना है, क्योंकि अगर मेरे को इसी चीज़ पे एंटरटेनिंग पर्पज़ में ही अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा और अपना आलसपन छोड़ना पड़ेगा, जो मैं हमेशा सोचता हूँ जो कभी होता नहीं है। मुलुंड में ये एक वाइबो होटल है जहाँ पे मिसल पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो कभी आओ तो वाइबो होटल में ज़रूर आना मिसल पाव ट्राई करने के लिए। सो फाइनली आई हैव रीच्ड अ डेस्टिनेशन, मैंने आपको दिखा था ये वाइबो होटल था, इधर ही है बाजू में, मैंने उसके सामने गाड़ी पार्क की है। सो यार मैं आया हूँ सुनील आर्ट्स के पास, जैसे मैं आपको बताया था, और ये लोकेशन है मुलुंड सुनील आर्ट्स।
सो मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ सुनील आर्ट्स के लिए। सो लेट्स गो मुलुंड पुलिस स्टेशन, और सामने है सुनील आर्ट्स। सो दैट्स द सुनील आर्ट्स, वी आर गोइंग ओवर देयर। हम आ चुके हैं फाइनली, जो मैंने आपको दिखा दिया था कि जस्ट पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट है ये टाइम सुनील आर्ट्स। सो ये टाइम सुनील आर्ट्स में है बहुत ज़्यादा ही यूनिक गणपति। और दूसरी बात ये कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये टाइम उनके पास 5 फीट की मूर्ति तक भी मूर्ति आपको लोगों को मिल जाएगी, और काफ़ी मूर्तियाँ तो ऑलरेडी बुक भी हो चुकी है। सो आओ चलते हैं और करते हैं बप्पा के यूनिक यूनिक दर्शन, और यूनिक यूनिक स्टाइल में मैं आपको दिखाता हूँ छोटी से मूर्ति से लेके बड़े से बड़ी मूर्ति, और कुछ चीज़ों का काम भी चालू है, और बहुत सारी मूर्तियाँ सुनील आर्ट्स में आ भी चुकी हैं। सो बुकिंग का वेट मत करो, आओ अभी बुकिंग करो। सुनील आर्ट्स की कुछ मूर्तियां जो मैंने आपको दिखाई, बट इट्स नॉट दी एंड। ये एक सेक्शन था जो मैंने आपको दिखाया, अभी एक दूसरा सेक्शन है जो रेडी हो रहा है, तो मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देखें यहाँ से आपको 1 फीट से लेके 5-6 फीट तक की जितनी भी चाहिए आपको मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही प्यारे स्टाइल में। मेरी गणपति का भी अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, और मैं अभी बताने वाला भी नहीं हूँ, बट उसी झलक में उसी वीडियो में आपको मेरी गणपति पता करने की, मेरी गणपति ये टाइम की कौन सी। और आई थिंक बहुत लोगों को तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चली गई होगी कि ये टाइम की गणपति कौन सी होगी। तो आप लोग भी मेरे को बताइए कौन सी होगी कमेंट सेक्शन में, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ, ठीक है। तब तक आप ये लुक देख लीजिए, क्योंकि ये टाइम मंडप बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना है। अगर मैं आपको घुमा के दिखा दूँ तो इट्स ह्यूज। ये एक सेक्शन है जो मैंने पहले शूट किया था, वो एक सेक्शन था, अभी मैं शूट करने आ रहा हूँ वो है दूसरा सेक्शन। सो लेट्स गो। वो मूर्तियाँ जो अभी तक कलर नहीं हुई हैं, बट अभी कलर हो जाएंगी नेक्स्ट 15-20 डेज में। सो ये है 3 से 5 फीट की 6 फीट की मूर्ति जो बहुत ही यूनिक स्टाइल में आई है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कृष्णा की मूर्ति है, और जिस तरह से जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, मेरा लगाव कृष्णा के लिए और ज़्यादा बढ़ रहा है। वो मुझे मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वाइट कलर में अभी तक कलर नहीं है, बट स्टिल आई शो यू द डिफरेंट ऑफ मूर्ति जो बनाई गई है कम हाइट में, मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ। गाइस ये है वो मूर्ति जिसके बारे में बात कर रहा था, कृष्णा के रूप में है। और अगर जिस दिन इसको कलर हुआ, आई विल टेल यू, जिस मंडप में जाएगी ना ये मूर्ति, सुपर सुपर क्या है ये टाइम, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेबल है। कि लास्ट टाइम इतना भी नहीं था, जब मैं आया था तब ऐसा कुछ नहीं था, बट ये टाइम बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ आई हैं। सो आप लोग आओ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, पप्पा तो रेडी है, आओ फटाफट पप्पा को अपने घर ले चलो। अगर ये साल घर के लिए नहीं मंगवाया है या ऑर्डर नहीं किया है, या पप्पा को आप सोच रहे हो कई सालों से लेके आना कि पप्पा आज आएंगे, अगले साल आएंगे, अगले साल आएंगे, अगले साल नहीं, समय अब है, तो अब ले आओ, है ना पप्पा। तो दिस वॉज दिस स्मॉल ब्लॉग ऑफ सुनील आर्ट्स। तो मैंने आप लोग को बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी, और जो मूर्ति जो कलर नहीं हुई है वो सारी मूर्तियों के मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। सो वेट क्या करते हो, ये रहा नंबर, ये रहा लोकेशन, और ये रहा एड्रेस। तो जाओ आओ अभी के अभी बुक करो, क्योंकि गणपति को रह गया सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में अगर बुकिंग नहीं की, पापा को घर नहीं बुलाया, तो फिर क्या बुलाया। बहुत सारे आगमनों का वेट, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। सो तब तक जल्दी जल्दी आओ। मुलुंड इज़ अ प्राइम लोकेशन, और मुलुंड पुलिस चौकी के सामने ही है सुनील आर्ट्स। बड़ा बोर्ड लगा दिया है, वो भी मैं आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सो बप्पा की मूर्ति को घर बुलाओ, विघ्न हरता है, सो दैट आपके सारे दुख हरे, और आप उनको खुशी खुशी हर साल अपने घर पे बुलाएं। और मिनिमम ये याद रहे, लोग हमेशा भूल जाते हैं कि अगर आप गणपति पप्पा को एक बार घर बुलाते हैं तो उन्हें मिनिमम 3 साल के लिए अपने घर पर बुलाना पड़ता है, फिर आप 1 साल का गैप लेकर दोबारा शुरुआत कर सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम, कम बैक सुनील आर्ट्स for the booking. See
see you then. Bye bye in the another vlog. So soon. Bye bye. Take care.